डॉक्टर विवेक बिंद्रा को मिला जनता का सपोर्ट, सामने आया संदीप माहेश्वरी का असली चेहरा। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। संदीप माहेश्वरी वर्सेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा, पिछले साल दिसंबर 2023 में इनके बीच शुरू हुआ विवाद अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। YouTube वीडियो से शुरू ये मामला आज कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुका है। इतने महीनों से दोनों की पक्षों की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई थी, लेकिन हाल ही में डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और फिर YouTube पर वीडियो डालकर अपना पक्ष और पूरा मामला जनता के सामने रखा है। इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा ये जानने से पहले ये समझ लीजिए कि ये पूरा मामला असल में है क्या। ये विवाद शुरू हुआ 11 दिसंबर 2023 को जब संदीप माहेश्वरी की ओर से उनके YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया गया, जिसमें संदीप माहेश्वरी ने बिना किसी का नाम लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा और उनकी कंपनी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड पर 500 करोड़ का स्कैम करने का आरोप लगाया। ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका, वीडियो अपलोड करने के बाद संदीप माहेश्वरी की ओर से कई सारी कम्युनिटी पोस्ट और वीडियोस लगातार अपलोड किए गए, जिसमें उन्होंने डॉक्टर बिंद्रा पर कई गंभीर आरोप लगाए। सिर्फ इतना ही नहीं, संदीप माहेश्वरी की ओर से डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा और बिग स्कैम एक्सपोज्ड जैसे कैंपेन भी चलाए गए। इस कैंपेन के कारण बहुत से लोगों ने डॉक्टर बिंद्रा के ऑफिस के सामने घेराव भी किया। इन सभी से उनके बिजनेस और छवि को काफी नुकसान हुआ। इस तरह के नेगेटिव कैंपेन को अपने खिलाफ होते हुए देख डॉक्टर बिंद्रा ने कानून का सहारा लेने की सोची और संदीप माहेश्वरी के खिलाफ फरीदाबाद कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया। इस अर्जी के बाद फरीदाबाद कोर्ट ने विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी दोनों पर ही एक दूसरे के खिलाफ पब्लिकली कुछ भी बोलने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन अभी कुछ समय पहले कोर्ट ने इस पूरे मामले पर गौर करने के बाद ये पाया कि संदीप माहेश्वरी ने अपनी वीडियो में जो भी स्कैम करने के आरोप डॉक्टर बिंद्रा और उनकी कंपनी बड़ा बिजनेस पर लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं और कंपनी का बिजनेस मॉडल कोई भी स्कैम नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा पर से पब्लिकली संदीप माहेश्वरी के खिलाफ ना बोलने की अपनी पाबंदी को हटा लिया और अपना पक्ष लोगों के सामने रखने की इजाजत दे दी। इस इजाजत के बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपने वीडियो को पोस्ट करके कुछ खास बातों को लोगों के सामने रखा। इस वीडियो में डॉक्टर विवेक बिंद्रा संदीप माहेश्वरी को बड़े भाई कहकर पुकारा और बड़े ही सम्मान के साथ उनके हर एक आरोप का जवाब दिया। डॉक्टर बिंद्रा ने कहा कि उन्होंने संदीप माहेश्वरी को कहा था कि वो उनके स्टूडियो आकर उनकी हर एक बात का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन इस बात पर माहेश्वरी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। लेकिन अपने इस वीडियो में डॉक्टर बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी के उठाए गए हर एक सवाल का सटीकता के साथ जवाब दिया। डॉक्टर बिंद्रा ने समझाया कि कैसे उनके बनाए गए कोर्स के पीछे एक एक्सपर्ट टीम रिसर्च करती है और फिर प्रोडक्शन टीम से तैयार करती है, जिसमें काफी खर्चा आता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे इमेज को क्रिएट करने के लिए संदीप माहेश्वरी को पूरा प्रोडक्शन करना पड़ता है। संदीप माहेश्वरी ने अपने एक वीडियो में भारत सरकार के कुछ कानूनों को भी बताया था, जिसमें संदीप माहेश्वरी ने कहा था कि रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड स्ट्रक्चर जैसे बिजनेस मॉडल जो PCMC यानी कि प्राइस चीप मनी सर्कुलेशन एक्ट के तहत आते हैं, जिनके तहत बिजनेस करना गैर कानूनी माना जाता है। इसके जवाब में डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बताया कि PCMC एक्ट में मनी सर्कुलेशन की दो कंडीशन होती है, पहली होती है क्विक मनी और दूसरी होती है कोई ऐसा बिजनेस जिसमें लोगों को भ्रामक तरह से जोड़ना होता है, जबकि हमारा बिजनेस मॉडल इन दोनों ही तरीकों से बहुत अलग है। विवेक बिंद्रा ने यह भी साफ किया कि MLM बिजनेस मॉडल आज भी हमारे देश में गैर कानूनी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस मॉडल पर काम नहीं करते हैं। जिस नियम के बारे में संदीप माहेश्वरी बात कर रहे थे वो अब तक हमारे देश में बना ही नहीं है, जबकि संदीप माहेश्वरी ने खुद अपने करियर की शुरुआत एक MLM बिजनेस के साथ की थी, जिसे वो खुद आज एक स्कैम बताते हैं। संदीप माहेश्वरी के वीडियोस में ये भी दिखाया गया कि विवेक बिंद्रा लोगों को महीने में 10 लाख रुपए कमाने का सपना दिखाते हैं और ना कमा पाने पर पूरा पैसा वापस करने का वादा भी करते हैं। इस पर भी विवेक बिंद्रा ने कुछ वीडियोस को दिखाते हुए कहा कि हाँ, हम लोगों को उनका पैसा वापस करने की गारंटी लेते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें पूरा प्रोसेस भी है जिसे फॉलो करना होता है।
विवेक बिंद्रा ने ये भी कहा कि उनके यहाँ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर ही काम होता है। अगर सेल्स का कोई व्यक्ति गलत तरीके से सेल करता है तो उसके खिलाफ तुरंत ही इस नियम के तहत एक्शन लिया जाता है और उस कस्टमर को तुरंत ही उसका पैसा वापस कर दिया जाता है। अपने इस वीडियो में डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने संदीप महेश्वरी के हर एक आरोप का जवाब दे दिया है और इसके बाद भी उन्हें आमने सामने आकर बात करने का आमंत्रण भी दिया है। उधर संदीप महेश्वरी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, उन पर कोर्ट का लगाई गई पाबंदी अब भी जारी है। वो अब भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जो उनकी सामाजिक छवि पर या उनके बिजनेस पर बुरा प्रभाव डाले। कुल मिलाकर अब मामला डॉक्टर बिंद्रा के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे बड़े भाई मिस्टर महेश्वरी ऑनरेबल हाई कोर्ट गए थे क्योंकि हमने उनके खिलाफ केस डाला था डेफेमेशन का, और उन्होंने प्रयास किया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट वहां पे उसको समन को क्वॉश करा सके। सो कोर्ट ने उनकी प्रेयर को रिजेक्ट करते हुए बोला कि ट्रायल कोर्ट में वापस चले जाओ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के माध्यम से अखबारों से पढ़ा है और आपके अखबारों से मेरे को सुनने को मिला, पढ़ने को मिला कि मिस्टर महेश्वरी को दोनों तरफ से झटका लगा है, लोअर कोर्ट में भी और हायर कोर्ट में भी। इट इज एडमिटेड फैक्ट ऑन द फाइल दैट अग्रीव्ड अपेलेंट, अपेलेंट कौन हुआ, मैं जो अपील कर रहा है, एंड द रिस्पॉन्डेंट नंबर वन यानी कि संदीप महेश्वरी इन दिस बिजनेस ऑफ द सेम नेचर, यानी कि हम सिमिलर प्रकार के नेचर में हैं और ये स्वाभाविक है, इट इज क्वाइट नेचुरल दैट देयर मे बी सम बिजनेस राइवलरी बिटवीन देम, क्योंकि वो सेम बिजनेस में आना चाहते थे, बिजनेस कोचिंग करना चाहते थे, तो कोर्ट ने माना कि हम दोनों सेम बिजनेस में हैं। लर्नड सिविल जज हालांकि ये ऑब्जर्वेशन दे चुके थे दैट द वीडियो एंड कम्युनिटी पोस्ट आर डेफेमेटरी, लेकिन आज भी बड़े भाई मिस्टर महेश्वरी पे रिस्ट्रेन ऑर्डर है। अब कोर्ट ने ऐसा माना है कि मुझे अधिकार नहीं दिया गया था बोलने का, मैं बोल सकता हूं, लेकिन उनके अधिकारों को भी रोक दिया गया है कोर्ट के द्वारा क्योंकि उन्होंने डेफेमेशन किया है। तो आज भी मेरे बड़े भाई मिस्टर महेश्वरी पे रिस्ट्रेन ऑर्डर है और कोर्ट ने उनको मना कर दिया है कि वो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने प्राइम एफएससी एक गलत काम किया है जिसको भी कोर्ट ने माना है। अब मैं कोटेड अनकोटेड बता देता हूं कोर्ट क्या कहता है। दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट लर्नड सिविल जज शुड नॉट पास द रिस्ट्रेन ऑर्डर अगेंस्ट द एपेलेंट, यानी कि जो पहले लर्नड सिविल जज थे उनको मेरे अगेंस्ट ये ऑर्डर नहीं पास करना चाहिए बिकॉज मेरे राइट्स वर कर्टेल्ड बाय पासिंग सच डायरेक्शन एज ही इज अनएबल टू डिफेंड, यानी कि मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा था हिमसेल्फ इन पब्लिक डोमेन वेयर द वीडियो एंड द कम्युनिटी आर इन पब्लिक व्यू, यानी कि ये सब के सब पब्लिक व्यू में थे और मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा था। तो कोर्ट ने कहा आप आइए, अपने आप को डिफेंड करने का मेरे को कोर्ट ने एक अधिकार दिया। मेरे बड़े भाई मिस्टर महेश्वरी ने जरूर कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा, बहुत मसालेदार लिखा होगा जो 16/12/2023 की पोस्ट को उनको डिलीट करना पड़ गया। इसके पीछे कारण वो जानते होंगे और वो खुद ही बताएंगे इसके पीछे क्या कारण रहा है। आपने हमारे को स्कैम बोला, आपने हमें स्टॉप स्कैम बिजनेस बोला, आपने हमें हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा बोला, तो कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने कहा कि यूज अ वर्ड स्कैम या पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा या हैशटैग स्टॉप स्कैम विवेक बिंद्रा या हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा आर क्लियर वर्ड्स, दीज वर्ड्स डू नॉट हैव पॉजिटिव इफेक्ट इन द माइंड ऑफ ऑडियंस, ये एक नेगेटिव छवि डाल रहे हैं ऑडियंस के माइंड पे। मैं उनको उनके प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता, उन्होंने देश की सेवा करी है उसके प्रति मैं उनका जरूर सम्मान करूंगा, परंतु जो गलती करी है वो कोर्ट डिसाइड करेगा और कोर्ट रोज डिसाइड कर रहा है और रोज आप देख रहे हैं कि चारों जगह ऑर्डर्स हमारे फेवर में अपने आप आते चले जा रहे हैं क्योंकि कोर्ट भी सारे पेपर्स दे रहा है और वो उत्तर देने नहीं पहुंच रहे हैं कोर्ट में। फरीदाबाद सिविल जज 5/2/2024 उन्होंने बोला प्लेंटिफ यानी कि मैं सर्टनली हैज प्राइम एफएससी केस टू एक्सटेंड दैट एनी डेफेमेटरी रिमार्क्स इंपुटेशन और एक्यूजेशन बाय डिफेंडेंट नंबर वन कैन कॉज ह्यूज लॉस और बिजनेस एंड रेपुटेशन ऑफ प्लेंटिफ, यानी कि इससे मेरा बहुत नुकसान हुआ है और ये 5/2 को भी बोला गया है। संदीप जी बड़े भाई की तरह मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और मैंने उनको पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि आपकी जगह आपका समय आपका स्टूडियो आपका टाइम आपके लोग आप प्रश्न करो पब्लिक में आकर के प्रश्न करो, पर बड़े भाई को मिस्टर महेश्वरी को पब्लिक में नहीं मिलना था, बात नहीं करनी थी, तो अब वो कोर्ट में मिलेंगे, पर अभी वो कोर्ट में भी नहीं आ रहे हैं तो कोर्ट ने समन जारी कर दिया है कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ वारंट इशू कर दिया जाएगा। तो उसके लिए वो हाई कोर्ट गए थे स्टे लेने के लिए, हाई कोर्ट से भी स्टे उनका रिजेक्ट हो गया है। क्या आप पे लगे आरोप कि आपका बिजनेस मॉडल MLM या पोंजी स्कीम है, जैसा कि मिस्टर महेश्वरी ने अपने वीडियोस में बोला, मेरा उत्तर है मल्टी लेवल का मतलब है जहां बहुत सारे लेवल हो, हमारा बिजनेस है सिंगल लेवल। सिंगल लेवल का अर्थ क्या हुआ, फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है हमारा, फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोसेस है हमारा, आफ्टर सेल्स सर्विस और क्वालिटी ऑफ सेल्स हम लोग चेक करते हैं,
अब जिसको वो मल्टी लेवल बोलते हैं वही LIC में भी होता है। LIC में क्या होता है, LIC में अलग अलग क्लब्स होते हैं। कौन से क्लब होते हैं, जैसे MDRT मिलियन डॉलर राउंड टेबल। अब वो कोई लेयर नहीं है, वो क्लब है कि आपने इतना पैसा कमाया तो आप इस क्लब के लिए क्वालिफाई कर गए। उसके ऊपर का क्लब होता है COT कोर्ट ऑफ द टेबल, उसके ऊपर का क्लब होता है TOT टॉप ऑफ द टेबल। ऐसे ही हमारे भी क्लब हैं, TMC द मिलियनर क्लब, रॉयल एलीट क्लब, नवरत्न क्लब। तो ये क्लब्स हैं, इन क्लब को मल्टी लेवल नहीं बोला जाता है। मिस्टर महेश्वरी के शो पे भी ये क्लेम किया गया कि भाई हमारे यहाँ रिफंड पॉलिसी नहीं है, पैसा रिफंड नहीं किया गया। आपको जान के हैरानी होगी और जान के खुशी भी होगी, हमारे यहाँ रिफंड के 3 प्रोसेस हैं। सबको बता देते हैं साफ साफ, आज सबके सामने टेलीविजन पे, न्यूज़ चैनल पे, प्रिंट पे ये क्लियर कर देते हैं। 3 स्टेप है। पहला स्टेप है क्वालिटी ऑफ सेल्स। जैसे ही कोई सेल्स हुई हमारी टीम से फ़ोन जाता है और पूछता है कि क्या आपको पॉलिसी और प्रोसेस पूरा समझ में आ गया। वो बोलता है पॉलिसी और प्रोसेस पूरा समझ में आ गया तो ठीक है। अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग पे बोलता है मुझे पॉलिसी प्रोसेस गलत बताया गया, उसको ऑन द स्पॉट रिफंड दिया जाता है। दूसरा, 5 दिन तक वेट किया जाता है कि अगर उसके बावजूद भी आपको अच्छा नहीं लगा और आपको लगा आपके काम का नहीं है तो भी रिफंड कर दिया जाता है। और तीसरा, 100 दिन का MBG प्रोसेस है, मनी बैक गारंटी प्रोसेस। 100 दिन तक अगर आप 3.5 घंटा काम करते हैं अर्निंग के लिए आए और अगर आप नहीं कमा पाए तो भी पैसा रिफंड कर दिया जाता है। एक और इन्होंने एलिगेशन लगाया कि आपने 300 करोड़ 500 करोड़ कमाया तो हमारा काम है, हम बिजनेस करते हैं, हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बिल्ड कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को बिल्ड कर रहे हैं और रेवेन्यू कमा रहे हैं जिससे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को तैयार कर रहे हैं। कमाएंगे और आप हमें आशीर्वाद दीजिए। बड़े भाई क्यों हम 500 करोड़ करें, हम 5000 करोड़ करेंगे, लेकिन पहले ईमानदारी बाद में दुकानदारी। और ये मैं नहीं तय करूंगा, ये लर्नड कोर्ट ऑनरेबल जज अब तय करेंगे और उनको जवाब देने आना होगा। मिस्टर महेश्वरी आपको हमारी प्रार्थना है, बड़े भाई आपको जवाब देने आना होगा कोर्ट में। आप जवाब देने क्यों नहीं आ रहे वो आप जानते हैं कि आज आप प्रूफ करने के लिए क्यों नहीं आ रहे। एलिगेशन के लिए आपने 1 मिनट लगाया, आपने जो आपने सामने लोग खड़े किए थे एलिगेशन लगाते वक्त उनके भी वीडियोज है हमारे साथ में, वो भी पैसा कमा रहे थे और उन्होंने बोला कुछ नहीं कमाया, तो उसके पीछे क्या कारण है मिस्टर महेश्वरी जानते होंगे। मैं यही कहूंगा मिस्टर महेश्वरी को कि आप बड़े भाई की तरह हैं, आपका पूरा सम्मान है और आज भी हम बाहें फैला करके आपके साथ में कहना चाहते हैं कि हम आज भी आपका सम्मान कर रहे हैं, आपका कोई डेफेमेशन नहीं है, आपका फेम बढ़े और बढ़े। परंतु इस ये जिम्मेदारी लीजिए, जब भी आप किसी के बारे में कुछ बोलते हो तो बोलने से पहले फैक्ट चेक कर लीजिए, फैक्ट चेक करके बोलिए। ये हमारी प्रार्थना है आपसे। या मिस्टर महेश्वरी ने कोई प्रक्रिया फॉलो नहीं करी, सारा निर्णय वैसे ले लिया, #StopDrVivekBindra के विवेक बिंद्रा भारत से भाग जाएंगे। जिस दिन उन्होंने वीडियो डाला था उस दिन मैं दुबई में था, मेरा मन कर रहा था कि मैं फोटो खींच के डाल दूं, ये रही मेरी टिकट, मैं एक्चुअली भारत वापस आ रहा हूं। उस दिन मैं भारत में नहीं था, उन्होंने कहा था भारत छोड़ के भाग जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।